मैं उनके दोस्त हैं जी, मलक साहब के साथ उनका दोस्ताना है जी, नवीद खरल साहब, ये उनके घर का ये कबूतर है। इसके साथ साथ डॉक्टर इश्तियाक साहब के घर के भी काफी कबूतर जो हैं वो यहाँ हैं, और आप देख रहे हैं कि इस छत ने ये डॉक्टर साहब के घर के ये दोनों जो कबूतर हैं जी, एक डॉक्टर इश्तियाक साहब आप लाहौर उनके घर का, ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, इसके साथ जो दूसरा कबूतर है ये नवीद खल साहब हैं उनके घर की ये ब्रीड है। ये मलक शबीर साहब जी, माशाल्लाह। मलक साहब आप सुबह की हमारे साथ हैं, क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? ये यासराना का नया कबूतर है वाला जड़ा है। पहला पहला ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये कोटली बाजार से चौधरी यासर और चौधरी शफाकत जो हैं उन्होंने गिफ्ट किया हुआ है मलक साहब को। ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके पाँव में आप देख रहे हैं कि वो गुठलियां सी बनी, ये तेरे नाल गोल्डन बच्चा ये पीले रंग में कड़ी देख रहे हैं, ये सफेद कबूतर के साथ गोल्डन रंग का ये कबूतर, ये गोल्डन ब्रीड में ये मलक अफजल साहब के घर का कबूतर है। इस तरह दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर नवीद खर साहब और खसूसन मलक अफजल साहब कह रहे थे कि मेरी जो ये 3 साल जीत है इसमें डॉक्टर इश्तियाक साहब, इसी तरह उनके दोस्त हैं नवीद कर, उनके कबूतरों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है, और उन्हीं के जो बच्चे हैं ये गुज़श्ता 2-3 सालों से उनकी छत पर उड़ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से कार्ड है जी? रात दसा जी का बड़ा पहले चेतरे जो डिनर आया कोई रात आविष्कार ये नवीद खरल जी गुजरा वाला, ये वाला, ये दोनों कबूतर जो हैं उन्हीं के घर के हैं, ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं। इस तरह दोस्तों डॉक्टर इश्तियाक साहब का मैं समझता हूँ कि ब्रीडिंग के वाले से उनका एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके घर के कबूतरों ने काफी जगहों पे मैं जाता भी रहा हूँ, मैंने देखा भी है कि उनकी बड़ी शानदार परवाजें रही हैं। मलक अफजल साहब भी देख रहे हैं जी, हमें शकील जट साहब हैं, वारस पहलवान हैं, गादमन समड़े आल से हैं, इस तरह राजा राजा अली भाई वो भी हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज आपको मेरे इस भाई का ये शौक बड़ा पसंद आया होगा, और मैं समझता हूँ कि 3 साल लगातार बच्चों के टूर्नामेंट जीतना इस खेल में एक बड़ी बात है, जो कि उस्ताद मलक अफजल अवान जिनका तल्लक किला दीदार सिंह के इस कस्बा बाल से है, उन्होंने कंजेक्टिव 2016, 2017, 2018 में चैंपियन होने का एजाज हासिल हुआ है उन्हें। तो दोस्तों ये उनके घर के ये जो कुछ कबूतर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनमें डॉक्टर इश्तियाक साहब आप लाहौर, उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक साहब आप लाहौर उनके घर की ब्रीड, इस तरह उनके दोस्त हैं मलक अफजल अवान साहब के नवीद खर उनके घर की ब्रीड, ये तमाम मलक साहब ये कह रहे थे कि इन्हीं कबूतरों से गुज़श्ता 3-4 सालों से दादाजी, इन्हीं के बच्चे जो हैं वो हमारी छत पर उड़ रहे हैं।
और उनका बड़ा शानदार रिजल्ट रहा है। ना भाई एक बार भाई डॉक्टर साहब दे कार दा कोई कबूतर पकड़ो खड़ा रहना छ कोई डॉक्टर साहब दे कार दा डॉक्टर इश्तियाक साहब दे कार दा टैडी बच्ची ब्रीड है जेड़ा राम ना राम ओथे खलो ओथे खलो सामने खलो इधर 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 सामने हो सामने दा मतलब सामने आना हां ਜੀ ਆਖੋ ਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਸ ਲਾਈਟ ਹੈਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਯੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੇਰੀਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਅਵਾਨ ਆਪ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕੀ ਬਰੀਡ ਕਾ ਯੇ ਟੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ये टैडी ब्रीड का कबूतर आपको दिखाया जा रहा है इकबाल क्या कहते हैं इकबाल भाई इनको इसको इंसान टैडी कहते हैं इंसान टैडी डॉक्टर ने नाम रखा इधर परला बखाओ जरा परला परला खोलो परला 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 खोलो इधर है जी ना सामने करो ना परला तू परला ले ओ नहीं नहीं ये 200 जोड़ों वाले कबूतर हैं जरा कटे हुए भी हैं और उनके पर भी पूरे नहीं है मगर मैं आपको उसका ये जिस्म दिखा रहा हूँ ये जो इंसान टेडी हैं उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक साहब ऑफ लाहौर उनके घर के इधर पंजे मलक साहब माशा घर जी ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये मलक अफजल अवान साहब उनके दोस्त हैं जी नवीद खान साहब उनके घर का ये कबूतर आपको दिखाया जा रहा है यार ये ना ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵਹਾਓ ਇਹਦਾ ਵਹਾਓ ਜੀ ਉਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵਹਾਓ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦੇਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋੜ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਭਾਈ लाइट जरा रोशनी दिन की रोशनी हो ना फिर भी माशाल्लाह सही आ रहे ने ये दोस्तों आपको उस्ताद मलक अफजल अवान जिनका तल्लक किला दीदार सिंह के कस्बा बल से है और वो खुद इटली में मुकीम है उनके घर से उनके ये जोड़ों वाले कबूतर हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको
उनका 2018 में उड़ने वाला बेबी पिजन का स्कॉट दिखाया था। इन कबूतरों में ज्यादातर कबूतर जो हैं वो उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक आप लाहौर उन्हीं के घर के ये ब्रीडर कबूतर भी इसी तरह इन्हीं ब्रीडर कबूतरों की जो ब्रीड है वो आगे जाके परफॉर्म कर रही है। और कंजेक्टिव विन जो है मलक साहब ने गुज़श्ता 2016, 2017 और इसी तरह 2018 में बेबी पिजन के जो मुकाबले हैं वो अपने नाम किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आमने सामने के उनके को मुकाबले थे अपने हरीफों से, वो मुकाबले भी उन्होंने जीते हैं। चार हरीफों से उनके आमने सामने के मुकाबले थे वो भी उन्होंने वाजे बर्तरी से, वो जितने भी मुकाबले थे 1-1 मुकाबले उन्होंने वाजे बर्तरी से जीते हैं। ये मेरे जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, दोस्तों मैं इस वक्त किला दीदार सिंह का एक कस्बा है भल, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उस्ताद आजम ग्रुप, उस्ताद आजम पहलवान ग्रुप ऑफ गुजरांवाला से तल्लक उस्ताद मलक अफजल अवान, जो कि किला दीदार सिंह में उनकी छत से मैंने आपको शौक भी करवाया है। ये उनके ब्रीडर कबूतर जो हैं आपको दिखाए जा रहे हैं और इसमें ज़्यादातर कबूतर जो हैं उनके बड़े अच्छे मुरासम हैं। उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक आप लाहौर उनसे उनके घर के हैं, इसी तरह उनके दोस्त हैं नवीद खरल साहब उनके घर के भी कबूतर इसमें मौजूद हैं और इन्हीं की ब्रीड जो है वो आगे परफॉर्म कर रही है। तो मलक साहब का ये कहना था कि लाला जी इन्हीं कबूतरों से हम 2-3 साल हो गए हैं, इन्हीं की ब्रीड से जो है हम मुकाबले खेल रहे हैं और बड़े शानदार रिजल्ट आ रहे हैं इनके। थोड़ा जा रोशनी छोड़ो जरा थोड़ी, चलो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेगमेंट भी इंशाल्लाह पसंद आया होगा और आपने उन ब्रीडर कबूतरों का मलक अब्दुल अवान साहब जिनसे वो अपने मुकाबले खेल रहे हैं इन्हीं की ब्रीड से और इसमें ज्यादातर उन्होंने बताया कि उस्ताद डॉक्टर इश्तियाक साहब आप लाहौर, मैं समझता हूँ कि ब्रीडिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है और उनके घर के ये बड़े शानदार कबूतर जो है ये आपको दिखाए गए हैं। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर मलक अफजल अवान साहब का, उस्ताद आजम पहलवान साहब का, उनके ग्रुप के तमाम अरकान का, अली रजा भाई का और इसी तरह मलक नईम बाहर बैठे हुए हैं उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया करते हुए लाला जी उस्ताद मलक अफजल अवान आप बल किला दीदार सिंह उनके डेरे से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।